असलम एवरी वन वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनास्मोसिस अराउंड स्कैपुला नासमोसिस सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है नासमोसिस होता है बेसिकली आ, हमारे पास एक कनेक्शन होता है आर्टरीज़ का या टिब्यूल्स का सो so, हमारे पास क्या होंगी आर्टरीज होंगी जो स्कैपुला के इर्द गिर्द होंगी इसके अराउंड जो आर्टरीज होंगी उनकी जो कुछ ब्रांचेज़ हैं वो ख़ुद में एक मतलब मिल के एक कनेक्शन बना देती हैं और जो स्केपुला है उसके अराउंड हमारे पास दो नासमोसिस होते हैं एक होता है हमारे पास अनासमोसिस अराउंड बॉडी ऑफ स्केपुला और दूसरा होता है नासमोसिस अराउंड दी एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला फ़िलहाल इस पर मैं समझाऊंगी स्कैपुला की जो बॉडी है उसके ऊपर जो नासमोसिस होता है उसके बाद हम देखते हैं अनोसमोसिस अराउंड दी एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला ये क्या हमारे पास बॉडी है और ये आर्टरीज हैं उनकी जो ब्रांचेज हैं वो खुद में क्या कर रही हैं कनेक्शन बना रही हैं एक जगह पे उसको बोलेंगे नॉस्मोसिस इसके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इसकी सिग्निफिकेंस है मींस कोलेट्रल सर्कुलेशन में ये हेल्प करता है सो so, सबसे पहले आता है नॉस्मोसिस अराउंड बॉडी ऑफ स्कैपुला नोसमोसिस अकर बिटवीन ब्रांचिज ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्ट्री एंड थर्ड पार्ट ऑफ एक्जीलरी आर्ट्री पार्ट्स हैं हमारे पास आर्टरी के बेसिकली क्या होता है हमारे पास जो सबक्लेवियन आर्टरी है इतनी हमारे पास क्या है सबक्लेवियन आर्टरी जिसके क्या होते हैं थ्री पार्ट्स होते हैं सबक्लेवियन आर्टरी नेक्स्ट कंटिन्यू होके क्या बनाती है हमारे पास एक्जीलरी आर्टरी एक्जीलरी आर्टरी के भी हमारे पास थ्री पार्ट्स होते हैं देन एक्जीलरी आर्टरी कंटिन्यू होकर हमारे पास बनाती है ब्रेकिअल आर्टरी और अपर लिम की ये हमारे पास आर्टरीज है मेन आर्टरी हमारे पास होती है एग्जीलरी आर्टरी अपर लिम की ठीक है उसकी ब्रांचेज नेक्स्ट अपर लिम में जाती हैं उसके डिजिट्स में और बोन आ, हमारे पास ये जो है आर्म और आर्म वगैरह में ये हमारे पास सब क्लेवियन आर्ट ये हमारे पास एक्जिलरी आर्टरी यहाँ तक और नेक्स्ट क्या है हमारे पास कंटिन्यूशन हो रही है किसकी एक कंटिन्यू होकर बन रही है ब्रेकिअल आर्टरी सो इस इसका मतलब ये है कि सबक्लेवियन आर्टरी का हमारे पास फर्स्ट पार्ट इन्वॉल्व होगा उसकी ब्रांचेज आएंगी उसके बाद आएंगी एक्जिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट मेन सबक्लेवियन का सेकेंड थर्ड नहीं होगा और एग्जीलरी का फर्स्ट सेकेंड नहीं होगा बल्कि फर्स्ट एंड थर्ड ऑफ दीज आर्टरीज दीज पार्ट्स ऑफ दीज आर्टरीज विल इन्वॉल्व इन दी इनऑसमोसिस अराउंड दी बॉडी ऑफ स्कैपुला मीन इतना पार्ट सब्क्वियन का होगा और ये वाला पार्ट हमारे पास एक्जीलरी का होगा इन एनॉसमोसिस में अब फर्स्ट पार्ट ऑफ जो सबक्लेवियन आर्ट्री है उसमें जो ब्रांचेज आ रही हैं हम उसको देख लेते हैं सबसे पहले जो सब्क्वियन आर्ट्री का फर्स्ट पार्ट है वहाँ से हमारे पास अराइज होती है एक आर्ट्री जिसको बोलते हैं थायरो सर्वाइकल ट्रंक ठीक है ये हमारे पास क्या है थायरो सर्वाइकल ट्रंक अब हम देखते हैं थायरो सर्वाइकल ट्रंक की नेक्स्ट फोर ब्रांचेज हैं एक है इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी सेकेंड है असेंडिंग सर्वाइकल आर्ट्री ट्रांसफर सर्वाइकल आर्ट्री एंड सब्स्कैपुलर आर्टरी वन टू थ्री फोर दिस इज इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी दिस इज असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी दिस इज ट्रांसफर सर्वाइकल आर्ट्री एंड दिस इज सब्स्कैपुलर आर्ट्री ठीक है दिस इज सब्स्कैपुलर सब स्कैपुलर ओके okay. हमने इन ब्रांचेस को देख लिया थायरो सर्वाइकल ट्रंक की ब्रांचेस को ये सारी ब्रांचेस नहीं इन्वॉल्व हमने इनको क्यों स्टडी किया ताकि हमारे पास एक की आ जाए और हमें समझ आ जाए कि इसमें से कौन कौन सी ब्रांचेज निकलती हैं और उन उनमें से कौन सी ब्रांचेज़ हैं चंद एक जो अनोसमोसिस में इन्वॉल्व हैं इसमें जो फोर्थ भी आती है ना सब स्कैपुलर आर्ट्री थायरोसर्वाइकल ट्रंक की जो ब्रांच है सब स्कैपुलर आर्ट्री वो इन्वॉल्व है अनोसमोसिस में जो जिन पर मैंने बॉक्स किया हुआ है मीन ब्लू से मार्क किया हुआ है वो हमारे पास अनोसमोसिस में इन्वॉल्व होंगी दिस इज़ सब ये में इन्वॉल्व है उसके बाद आती है हमारे पास सेकेंड पे जो आर्ट्री इन्वॉल्व है बेसिकली थ्री आर्ट्रीज होंगी थ्री ब्रांचेज होंगी सेकेंड पे आती है ट्रांसफर सर्वाइकल आर्ट्रीफर ट्रांसफर सर्वाइकल आर्ट्री की नेक्स्ट टू ब्रांचेज है सुपरफिशियल ब्रांच एंड डीप ब्रांच दिस इज ट्रांसफर सर्वाइकल आर्ट्री थायरो सर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच क्या है ट्रांसफर सर्वाइकल आर्ट्री ट्रांसफर सर्वाइकल आर्ट्री की आगे टू डिवीजन है सुपरफिशियल ब्रांच एंड डीप ब्रांच उसके बाद मीन सेकेंड ब्रांच कौन सी होगी डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसफर सर्वाइकल आर्ट्री विच इज़ दार्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्ट्री मीन थायरो सर्वाइकल ट्रंक में से जो आर्टरी फर्स्ट पार्ट में से ये आर्टरी अराइज होती है उस आर्टरी की ब्रांच है ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी और ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी की ब्रांच डीप ब्रांच है ठीक है डी ब्रांच इन्वॉल्व है दो आर्ट्रीज होगी थर्ड पे आएगी हमारे पास थर्ड पार्ट से आएगी एक्जिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट से ठीक है एग्जीलरी आर्टरी का जो थर्ड पार्ट है उसमें से थ्री ब्रांचेज निकलती हैं जिसमें से एंटीरियर सर्कम ह्यूमरल आर्टरी पोस्टीरियर सर्कम ह्यूमरल ह्यूमरल आर्टरी एंड सब्सकेपुलर आर्टरी ठीक है अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं दिस इज थर्ड पार्ट इतना हमारे पास क्या है थर्ड पार्ट है एक्जीलरी आर्टरी का एंटीरियर सरकमफ्लैक्स ह्यूमरल आर्ट्री पोस्टीरियर सरकमफ्लैक्स ह्यूमरल आर्ट्री एंड दिस इज ये क्या है सब स्कैपुलर आर्ट्री ठीक है हमें किससे कंसर्न है सब्सकेपुलर आर्टरी से क्योंकि उसकी ब्रांच इन्वॉल्व है अनोसमोसिस में सब्सकेपुलर आर्टरी की नेक्स्ट टू ब्रांचेस होंगी सर्कमफ्लेक्स केपुलर आर्टरी एंड थोरेकोडोसल आर्टरी जो सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी है वो इन्वॉल्व है अनोसमोसिस में ये क्या थी हमारे पास सब्सकेपुलर आर्टरी डायरेक्ट आ रही थी फिर क्या हुआ हमारे पास ये थायरो सर्वाइकल आर्टरी की ब्रांच थी ठीक है आगे थर्वाइको सर्वाइकल ट्रंक की क्या है ट्रांसफर्स सर्वाइकल आर्टरी उसकी ब्रांच सी डीप ब्रांच ठीक है वन टू दिस इज डीप ब्रांच ठीक है थर्ड पे ये वाली आ रही है जो कि सब स्कैपुलर आर्टरी की ब्रांच है ठीक है वो कौन सी है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी ये तीन ब्रांचेज हैं जो हमारे पास बॉडी ऑफ स्कैपुला के अनोस्मोसिस में इन्वॉल्व हैं अब हम देखेंगे अनोसमोसिस ओवर दी इक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला मीन सेकंड पे जो स्कैपुला है उसके सेकंड पार्ट जो है एक प्रोसेस वहाँ पर भी नोसमोसिस बनते हैं मीन आर्टरीज जो है वो कनेक्शन बनाती हैं इस एरिया पर एकोमियन प्रोसेस पे, पे। इसमें कौन सी आर्टरीज है नोसमोसिस अकर बिटवीन ब्रांचेस ऑफ दी फर्स्ट पार्ट ऑफ सब क्लेवियन आर्ट्री एंड सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ एक्जिलरी आर्ट्री फर्स्ट पार्ट है सब क्लेवियन आर्ट्री का वहाँ से कुछ ब्रांचिज आएंगी उसके अलावा सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ एक्जीलरी आर्टरी इन्वॉल्व है दिस इज दी फर्स्ट पार्ट ऑफ सब्क्वियन आर्ट्री यहाँ से एक ब्रांच आएगी सेम इसमें भी क्या है बॉडी की तरह एकमियन प्रोसेस में भी थ्री ब्रांचेस ही कनेक्शन बना रही हैं ठीक है देन आएगा इसमें सेकेंड पार्ट इन्वॉल्व है एक्जिलरी आर्ट्री का और हमारे पास ये थर्ड पार्ट इन्वॉल्व है सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्ट्री वहाँ से कौन सी ब्रांच आती है अगेन थाइरो सर्वाइकल ट्रंक है थायरोसर्वाइकल ट्रंक की इन्फीरियर थायरॉयड है असेंडिंग सर्वाइकल ट्रांसफर सर्वाइकल एंड सबक्लेवियन आर्ट्री सबक्लेव सॉरी सब्स्कैपुलर आर्ट्री सब्स्कैपुलर आर्टरी की देन एक ब्रांच है एक ब्रांच दिस इज सब्स्कैपुलर आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ थायरो सर्वाइकल ट्रंक सब्सकेपुलर आर्टरी से नेक्स्ट एक निकलती है एकमियल ब्रांच जो एकमियल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला पे अनास्मोसिस बनाती है इसमें एक चीज़ कॉमन है कि तीनों जो ब्रांचेस होंगी एक ब्रांचेस ही होंगी बट वो डिफरेंट आर्टरीज की ब्रांचेस होंगी बुक में इस तरह से की नहीं है ये इन सब आर्टरीज के नेम नहीं है मैंने की इसलिए बनाई है जिससे आपको ये फायदा होगा कि आपको ये पता चल जाएगा ये ये आर्टरीज हैं उनमें से एक स्पेसिफिक ब्रांच इन्वॉल्व है इससे याद करना आपको ईजी होगा सेकेंड पार्ट ऑफ एक्जिलरी आर्टरी जो है मीन एक्जिलरी आर्टरी का सेकेंड पार्ट भी इन्वॉल्व है उसमें आती है थोरेको एक्रोमियल आर्टरी इसको एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी भी बोलते हैं ठीक है दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ एक्जिलरी आर्टरी एंड दिस इज थोरेको एक्रोमियल आर्ट्र थोरेको एक्रोमियल आर्ट्री की नेक्स्ट फोर ब्रांचेज हैं सर्वाइकल ब्रांच पेक्टोरियल ब्रांच डेल्टोइड ब्रांच अगेन एकोमियल ब्रांच जैसे यहाँ पे एक ब्रांच थी बट दिस इज एकोमियल ब्रांच ऑफ सब्सकैुलर सब्सकैपुलर आर्टरी दिस इज एक एक्रोमियल ब्रांच ऑफ थोरेको एक आर्ट्री यहाँ पे देख लेते हैं दिस इज थोरेको एक आर्ट्री दिस इज सर्वाइकल ब्रांच पेक्टोरियल ब्रांच डेल्टोड ब्रांच दिस इज द एक्रोमियल ब्रांच दो ब्रांचेज होगी अब थर्ड कहाँ से आएगी वो आएगी थर्ड पार्ट ऑफ एक्जिलरी आर्टरी से थर्ड पार्ट ऑफ एक्जिलरी आर्टरी में इंटीरियर सनकॉम्फ्लेक्स पोस्टीरियर सर्कम्फ्लैक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड सब्सकेपुलर आर्टरी जो पोस्टीरियर सब सब सर्कम्फ्लैक्स ह्यूमरल आर्टरी है उसकी एक और ब्रांच है इक्रोमियल ब्रांच दिस इज ए क्रोमियल दिस इज ए क्रोमियल दिस इज ऑल्सो ए क्रोमियल ब्रांच बट दिस इज एक्रोमियल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सर्कम्फ्लैक्स ह्यूमरल आर्टरी यहाँ पर देखते हैं ये क्या हमारे पास थर्ड पार्ट है एक्जिलरी आर्टरी का जिसमें क्या है इंटीरियर सर्कम्फ्लैक्स पोस्टीरियर सरकम्फ्लैक्स सब्स्कैपुलर बट हमारा कंसर्न है पोस्टीरियर सरकम्फ्लैक्स से बिकॉज पोस्टीरियर सरकमफ्लैक्स की जो हमारे पास एक्रोमियल एक ब्रांच है वो अनोसमोसिस बनाती है थ्री हो गई क्या एक एकोमियल आई सब्स्कैपुलर से एक एकल आई थोड़ेकोक्रोमियल -एक से एक एकल आई हमारे पास पोस्टीरियर सरकमफ्लैक्स ह्यूमरल आर्टरी से इन तीनों ने अनोसमोसिस बना दिया एक्रोमियल एक प्रोसेस ऑफ स्कैपुला पे इसमें बात याद रखने वाली है फर्स्ट पार्ट है सबक्लेवियन का सेकेंड एंड थर्ड पार्ट है एक्जिलरी का अब हम देखेंगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इन एनास्मोसिस की आर्टीरियल इनास्मोसिस प्रोवाइड आ कोलेट्रल सर्कुलेशन थ्रू विच ब्लड कैन फ्लो टू दिम्ब वेन डिजिटल पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्ट्री और द प्रोक्मल पार्ट ऑफ एक्जिलरी आर्ट्री इज ब्लॉक्ड मीन अगर हमारे पास सप्लेवियन आर्टरी का थर्ड पार्ट या एक्जिलरी आर्टरी का फर्स्ट पार्ट जो है वो ब्लॉक हो जाता है तो क्या है कि हम लोग अनोसमोसिस जो हैं इनकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर ब्लॉक है हम उसको कट करके अगेन उनको ज्वाइन कर सकते हैं और ब्लड इजीली लिम्ब में पास कर सकता है ब्लड वैसे ही पास करता जाएगा थर्ड पार्ट से भी यहाँ पहुँचता जाएगा और फर्स्ट पार्ट से भी आता जाएगा इसी तरह बॉडी पे भी है बॉडी में भी फर्स्ट पार्ट से अनोसमोसिस आ रहा है उसके अलावा थर्ड से भी आ रहा है सो so, अगर इस एरिया में ब्लॉक आ गया है तो इन एनोस्मोसिस की यही सिग्निफिकेंस है कि हम लोग इनको कोलेट्रल कोनेक्शन uh, या कोलेट्रल सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड प्रोवाइड कर सकते हैं लिम्ब में ये था हमारे पास एनोस्मोसिस अराउंड दी स्कैपुला। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग